जिंजाना थाना क्षेत्र के गांव खोरसमा के जंगल में पुलिस में बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे जिंजाना के सीएससी में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश की पहचान रामपाल पुत्र मुंशी निवासी गांव अहमदगढ़ थाना झिंझाना के रूप में हुई है। घायल बदमाश पर करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने बताया कि बदमाश पर हरियाणा प्रदेश में 20,000 का इनाम घोषित है। दरअसल जनपद शामली के थाना झिंझाना पुलिस को मुखबिर द्वारा गांव खोरसमा के जंगल में बावरिया गैंग की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी की तो बावरिया गैंग ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की गोली रामपाल पुत्र मुंशी निवासी गांव अहमदगढ़ थाना झिंझाना के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामपाल बावरिया के अन्य सदस्य भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश रामपाल को झिंझाना के सीएससी में भर्ती कराया और फरार हुए अन्य बदमाशों की तलाश में जुट गई। डॉक्टरों ने बदमाश की हालत गंभीर देखते हुए शामली जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस कप्तान ने बताया कि घायल बदमाश पर करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं और हरियाणा प्रदेश में 20,000 का इनाम घोषित है। ये अभी सूचना मिली थी कुछ बावरिया जो गैंग है उसके गिरोह के कुछ सदस्यों के बारे में। जैसे ही पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और आपस में जो फायरिंग हुई है उनके द्वारा फायरिंग करने के पश्चात उसमें एक बदमाश है रामपाल बावरिया जिसकी गोली लगी है। फिलहाल उसके अपराधी के साथ खंगाला जा रहा है। तो इसके काफी मुकदमे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इस पे दर्ज है और जो रिकॉर्ड्स हैं उसको खंगाला जा रहा है।